हेलो। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो इसको कच्चे से करते हैं। देखो इसको, देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, हेडिंग है आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ये सिस्टम है। अब इसके अंदर देखो, आपको कोई फाइनाइट लेंथ का वायर दे दिया और उसके कारण आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप मान लो कि ये कोई वायर है एक्स वाई, इसकी फाइनाइट लेंथ हो गई और आपको इस वायर के ओ पॉइंट से ठीक है यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कोई पी पॉइंट है उस पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मान लेते हैं कि जो P पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पे है, R डी डिस्टेंस पे है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा देखो, आप सबसे पहले इसको मानने के लिए आप सबसे पहले एक काम करो, एक छोटा सा पोर्शन मानो यहाँ पर DL, ये DL पोर्शन मानो, AB इसको कुछ नाम दे दो। सबसे पहले इस डीएल पोर्शन के कारण पी पॉइंट पे क्या निकालो, आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो और फिर उसको पूरे के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ये मान लेते हैं कि ये जो पी है इससे ये जो बी पॉइंट है ये कितने एंगल पे है, मान लो फाइव एंगल पे है। क्लियर? ठीक है। और हम लोग ये मानते हैं, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो आपका एंगल है, ये एंगल, क्योंकि ये देखो ये डीएल ये थोड़ा सा है, तो ये इतना जो एंगल है वो आपका कितना है, डी फाइव। क्लियर? ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये इतना सा वायर है, इस इतने से वायर के कारण हमें पी पॉइंट पे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। और हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो पी पॉइंट है वो इससे कितने एंगल पे है, वायर से थीटा एंगल पे। अगर वायर इससे थीटा एंगल पे है तो यहाँ जो आपका डीबी होगा वो कितना होगा, डीबी आपने पढ़ रखा है कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और ये आया कहाँ से, ये आया फ्रॉम बायो सावर्ट रूल, ये आपका बायो सावर्ट रूल से आ गया। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखो कि यहां पर जो आपका ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये भी लगभग मैं कितना मान लेता हूं, थीटा। क्यों? क्योंकि ये डीएलए बहुत छोटा है, तो जितना ये थीटा होगा उतना ही लगभग लगभग क्या होगा, ये थीटा होगा। अब आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, बिल्कुल सिंपल, इस पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, और परपेंडिकुलर ये पॉइंट को नाम दे दो आप आर, दे दिया आपने इस पॉइंट को नाम आर। अब यहां से आप इस साइन थीटा की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहां से अगर आप इस साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो इस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी ये थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर कितना है,
ये है आपका बी आर, ठीक है, और बटे में आपका जो हाइपोटेनस है वो 90 के सामने वाला यानी डीएल। तो यहां से आपका जो बीएल है, बीआर है वो कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है बीआर ही है, बीआर है वो आपका कितना आ जाएगा, डीएल साइन थीटा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, जो आपका बीआर का वैल्यू है वो कितना आ गया, डीएल साइन थीटा, क्लियर है। अब आप एक चीज देखो, ये जो एंगल है, ये एंगल ये कितना है, फाई है, और ये जो आपका एंगल है ये कितना है, डी फाई। ये जो इतनी डिस्टेंस है, ये जो इतनी डिस्टेंस है, इस इतने डिस्टेंस को अगर मैं बी आर लिखूं तो क्या ये इतने डिस्टेंस इसका आर्क नहीं है। देखो हम लोग ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग इक्वल मान रहे हैं, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस हम इक्वल मान रहे हैं तो क्या कुछ ये ऐसा सीनेरियो नहीं है कि हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल मान रहे हैं और ये एक छोटा सा आर्क है जो कि हम लगभग स्ट्रेट मान रहे हैं और ये है आपका बी आर, ठीक है। तो ये बी आर है, ये अगर मैं आर मान लूँ और ये एंगल डी फाई है, ये अगर मैं आर मान लूँ, ये भी मैं आर मान लूँ और ये आपका डी फाई है, तो यहाँ से जो आपका बी आर है वो आर डी फाई नहीं आ जाएगा। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जो आपका आर्क होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है एंगल इंटू में रेडियस। तो क्या यहाँ से ये आर्क है ये एंगल इंटू में रेडियस नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ से आपका जो बी आर है वो कितना आ गया, आर डी फाई। अब यहाँ से ये आ गया आर डी फाई, वहाँ से ये आया है डी एल साइन थीटा। तो सीधी सी बात है, मैं डी एल साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन एक, ये इक्वेशन दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो आर डी फाई है उसको मैं क्या, सॉरी डी एल साइन थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डी फाई। ये एक बार मैं देख लूँ क्या आपको विजिबल है क्या ये, वेट ए मिनट, ठीक है इतना तो विजिबल है, इससे नीचे का विजिबल नहीं है। ओके तो इसको मिटा देता हूँ मैं इस फिगर को। अब देखो आपने क्या किया, आपने जो dP का फॉर्मूला था, आपने जो dB का फॉर्मूला था उस dB के फॉर्मूला में म्यू नॉट अपॉन में 4π, तो ऐसे का ऐसे I, ऐसे का ऐसे dl साइन थीटा की जगह आपने क्या लिख दिया, r d phi, और अपॉन में क्या आ गया, r का स्क्वायर आ गया। अब यहां से आप ये देखो कि जो r से r है वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका r से r है वो कैंसिल हो जाएगा तो यहां आपका क्या बचेगा, ओनली एंड ओनली r d phi अपॉन में। तो dB कितना आया, म्यू नॉट अपॉन में 4π आई डी फाई अपॉन में आर, क्लियर है ये, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहां ये एंगल कितना है फाई, ये एंगल कितना है 90। यहां से आप cos फाई की वैल्यू निकालो, ये आप ट्राइंगल ले लो OPB, फ्रॉम ट्राइंगल टाइम सफिशियंट है ना, ठीक है अभी 9 मिनट हुए, ओ पी, अगर ट्राइंगल ओ पी बी के अंदर अगर आप कोस फाई निकालो तो फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस डी और अपॉन में हाइपोटेनस आर। यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, आर की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, आर की वैल्यू आप आ जाएगी d अपॉन में cos phi। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन के अंदर रख दो, एक दो तो मान ली, इसको मान लो इक्वेशन तीन और इसको मान लो इक्वेशन चार। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फोर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फोर
इन इक्वेशन थर्ड। अगर इक्वेशन फोर की वैल्यू थर्ड में रखोगे तो डीबी आपका क्या जाएगा, डीबी आपका जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी फाई अपॉन में आर की जगह आपका क्या है डी अपॉन में कोस फाई। इसको यहां से सोल्व कर लो, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ये देखो ये कोस फाई वाला पोर्शन है, ये ऊपर ही ऊपर आ गया, आई कोस फाई डी फाई और अपॉन में आपका आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी। क्लियर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमेशा कांस्टेंट होता है, वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो वैसे भी कांस्टेंट होती है क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने बैठे थे तो एक कांस्टेंट करंट लेके बैठे थे। डी है वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट ही होगी पॉइंट की, तो फिर वेरिएबल कौन है कोस फाई डी फाई। और कोस फाई कहाँ से लेके कहाँ तक है, देखो ऊपर जो फाई है वो यहाँ तक है, मैं इस पूरे एंगल को मान लेता हूँ फाई वन, और नीचे जो एंगल है ये यहाँ तक है, इसको मैं मान लेता हूँ माइनस फाई टू क्योंकि ये एक्सिस के नीचे है, ये अगर एक्सिस है तो ऊपर वाला प्लस का फाई वन, नीचे वाला माइनस का फाई टू। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ से जो अगर मुझे पूरे वायर का निकालना है तो मैं डीबी का इंटीग्रेशन कर देता हूँ माइनस फाई टू से लेके प्लस के फाई वन तक। ठीक है, मैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई कोस फाई डी फाई अपॉन में डी का क्या कर देता हूँ माइनस फाई टू से प्लस फाई वन के बीच इंटीग्रेट कर देता हूँ। ये आया क्या म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, कोस फाई का इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगा तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा, सॉरी कोस का होता है साइन थीटा, तो साइन फाई और लिमिट कहाँ से कहाँ तक माइनस फाई टू से प्लस फाई वन तक। तो डी क्या आया म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन अपर लिमिट फाई वन माइनस लोअर लिमिट माइनस फाई टू। ये माइनस यहाँ से आके यहाँ जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कि कोई भी फाइनाइट लेंथ का वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन फाई वन प्लस में साइन फाई टू। देखो इसको अच्छे से कर लो, ये आपका जो फॉर्मूला है वो कोई भी फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, अच्छे से कर लेना इसको। बाय बाय, टेक केयर।